डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू टेस्ट प्रेप कार्ट। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2022 रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में। इसी के साथ हम इसके सारे पॉइंट्स हैं वो डिस्कशन है वो करेंगे कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया कितना होता है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है, इसको क्लेम है वो किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके के हम सारे पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक टेस्ट प्रेप कार्ट ऐप जो चैनल हमारे उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब वो कर लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट आता है जो वो आता है हमारा कि जेईई मेन 2022 रिजर्वेशन क्राइटेरिया। एक्चुअली रिजर्वेशन क्राइटेरिया वो दिया किसके लिए जाता है, तो आप सभी को मैं पहले ये एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि अगर आप जेईई मेन 2022 का एग्जाम क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपको जैसे कि NIT, IIIT या फिर IITs के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो यहां पे जो स्टूडेंट्स आते हैं जैसे SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स आते हैं, जो इंडियन क्वाटा के होते हैं, जो इंडियन नेशन के होते हैं, जो NRI वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के जो सभी वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग से कैटेगरी जो उसको डिवाइड किया गया है उन कॉलेजेस के अंदर, उनके लिए अलग अलग सीट्स है वो रिजर्व की गई है। तो वो पूरा प्रोसेस होता है। तो किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है वो रिजर्व की जाती है, किस के लिए कितनी रिजर्वेशन वो छोड़ी जाती है, तो यहाँ पे वो सारी बातें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरीज है जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंदर आती है। तो यहाँ पे आती है हमारी, सबसे पहले आती है हमारी SC कैटेगरी, दूसरे पे ST कैटेगरी, उसके बाद OBC, NCL। ठीक है, तो OBC के अंदर दो होती है हमारी, एक तो होती है OBC जो होती है क्रीमी लेयर और एक होती है नॉन क्रीमी लेयर। जो यहाँ पे जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया जाता है वो नॉन क्रीमी लेयर वाले स्टूडेंट्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है एक जनरल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये अभी नई कैटेगरी है वो उसको ऐड किया गया है। ठीक है, उसी के साथ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं तो वहां पे आती है PWD, और यहां पे एक और अगर हम बात करें वुमेन्स के लिए भी अलग से रिजर्वेशन क्राइटेरिया वो रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर जो है हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप अगर हम चले यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो कितनी दी जाती है जेईई मेन 2022 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं SC कैटेगरी के लिए। तो SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 15% सीट रिजर्वेशन से वो रखी जाती है। उसी के साथ जो ST कैटेगरी की होती है वहाँ पे 7.5% सीट रिजर्वेशन से वो रखी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा OBC NCL। जैसे मैंने आप सभी को पहले भी बताया कि वो वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती मत करना कि आप सोचो कि हम जो OBC वाले सभी OBC वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते। जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं वो वाले स्टूडेंट्स ही यहाँ पे इस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि OBC NCL वाले कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीट से वो रिजर्व की जाती है। तो यहां पे की जाती है 27% सीट से वो रिजर्वेशन वो की जाती है, जितने भी हमारे NITs, IIITs, जितने भी कॉलेजेस वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्या क्या जो एलिजिबिलिटी होती है यहाँ पे, अगर हम बात करें OBC NCL के, अगर मैं बताऊँ कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो OBC NCL के अंदर आएंगे, जिनकी फैमिली इनकम मतलब जो जो एक साल की जो इनकी इनकम रहती है वो 8 लाख से कम हो। ठीक है, इसी तरीके से और भी पॉइंट है इससे रिगार्डिंग, वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊँगा, तो वीडियो को पूरी देखते रहना साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है हमारा जो आता है यहाँ पे जो PWD वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो PWD वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो सीट रिजर्वेशन रखी जाती है वो 5% रखी जाती है। अब आप सोच रहे हो कि जो PWD वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 5% ही सीट क्यों रिजर्व रखी जाती है, तो आप सभी को बता दूँ ये 5% सीट्स है वो सभी कैटेगरी के अंदर है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे SC कैटेगरी के अंदर, तो वहाँ पे SC कैटेगरी के उनको 15% मतलब 15% जो रिजर्वेशन है वो तो अलग से मिलेगी, उसके अंदर एड ऑन करके 5% सीट्स है वो भी उनको अलग से मिलेगी। तो इस तरीके से जो 5% जो क्राइटेरिया जो PWD वाले स्टूडेंट्स के लिए सीट रिजर्वेशन है वो हर कैटेगरी के लिए एड ऑन है। ठीक है, और उसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे वुमेन्स के लिए, तो वुमेन्स का जो क्राइटेरिया मतलब वुमेन्स का जो रेशो है सभी कॉलेजेस के अंदर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे वुमेन्स के लिए 5% सीट्स है वो रिजर्व की गई है। अब पूरा एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे कि वुमेन्स के लिए कितनी सीट्स रिजर्वेशन की गई है और किस तरीके से की गई है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से एक बात है जो मैं आप सभी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो एनआरआई वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एनआरआई ई बुक्स है वो प्रिपेयर्ड की गई है। उसके अंदर अगर आपको वो डाउनलोड करना है तो उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप वो ई बुक है वो डाउनलोड कर सकते हो और एनआरआई ई बुक्स से आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन से वो कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ है, वो है हाउ टू क्लेम रिजर्वेशन क्राइटेरिया। अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें पता तो चल गया कि किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन से उसे रखा गया है, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए ना कि वो किस तरीके से हम उस चीज को क्लेम वो कर सकते हैं। अब यहां पे सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि इस चीज के लिए सबसे पहली मैंडेटरी पॉइंट यही है कि अगर आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया चाहिए तो उसके लिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, जैसे जेई मेन 2022 का आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, उस टाइम आपको वहां पे जो कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे तो वहां पे आपको ये कैटेगरी वहां पे डिसाइड करनी होगी कि आप एससी कैटेगरी के अंदर है या फिर ओबीसी के लिए या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, जितनी भी कैटेगरीज के लिए अगर आप मतलब जो आपकी कैटेगरी है उस चीज के लिए आपको रिजर्वेशन चाहिए तो वो आपको वहां पे मेंशन वो करनी होगी। उसी के साथ यहां पे एक पॉइंट और आता है कि जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड सर्टिफिकेट्स है वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो आपका वैलिड जो सर्टिफिकेट है जो आप जैसे कि एससी वाले स्टूडेंट्स है या फिर ओबीसी एनसीएल वाले स्टूडेंट्स है या फिर पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स है उनके लिए जो सर्टिफिकेट है वो अप टू डेट रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका ना एक साल के बाद इसका जो डेट्स है वो एक्सपायर हो जाती है, देन आपको दोबारा से इसको रिन्यू करवाना होता है, फिर आपको वहां पे डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने होते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये चीज थी मेन पॉइंट हाउ टू क्लेम टू जेई मेन 2022 के अंदर रिजर्वेशन क्राइटेरिया, ठीक है। पहली पॉइंट आप सभी को फिर से बता देता हूं कि आपको मैंडेटरी है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तब आपको वहां पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे उसी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन से वो मिलेगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि आपका जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसकी वैलिडिटी वो भी अप टू डेट वो होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जेई मेन 2022 रिजर्वेशन फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। अब वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कितनी रिजर्वेशन से वो रखी गई है, यहां पे सबसे अच्छी बात है कि यहां पे जो मेन और वुमेन्स का जो रेशियो है उसको इक्वल करने के लिए अलग से रिजर्वेशन क्राइटेरिया वो रखा गया है। अब यहां पे आप सभी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, कैन अप्लाई अगर आप जो स्टूडेंट्स जो वुमेन जितने भी हैं अगर उनके लिए अगर वो एनआईटी ट्रिपलआईटीज के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए वहां पे उनको 5% सीट रिजर्वेशन से वो रखी जाती है, चाहे वो होम स्टेट्स हो चाहे वो अदर स्टेट्स हो, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे वुमेन्स के लिए उनको अलग से बेनिफिट है वो मिलता है और वो बेनिफिट है यहाँ पे उनको कॉलेज के अंदर रिलैक्सेशन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि किसी कॉलेज के अंदर अगर मान के चले कि वहाँ पे किसी भी कॉलेज के अंदर वहाँ पे जो कट ऑफ गई है वो 98% वो गई है, अगर वहाँ पे कोई वुमेन अगर उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहती है उसी प्रोग्राम के अंदर तो उसकी कट ऑफ है उसके अंदर वहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है वो आ जाएगा, वहाँ पे उसको रिलैक्सेशन से वो मिल जाएगा। अगर 98% की कट ऑफ है तो अगर कोई 95 वाली स्टूडेंट्स होगी कोई 95 वाली कोई वुमेन्स होगी तो भी उसको वहाँ पे सीट वो मिल जाएगी, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जो वुमेन जो पीडब्ल्यूडी वुमेन है उनके लिए यहाँ पे 3% सीट्स है वो अलग से रिजर्वेशन से वो रखी जाती है, तो ये भी एक बेस्ट है और यहाँ पे इससे अच्छा मौका जैसे वुमेन्स के लिए काफ़ी रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें वो है हमारा यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो मतलब जो पीडब्ल्यूडी के लिए जो सीट रिजर्वेशन रखी गई है तो उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उनका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी हम इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि भी डिसेबिलिटी वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को मैं बता देता हूं कि जो पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स हैं अगर उनकी डिसेबिलिटी मतलब अबव 40% है, बिलो 40% वाले जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है इस रिजर्वेशन क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। और जितने भी बिलो मतलब 40% से अबव जितने भी स्टूडेंट्स हैं मतलब जितने
भी जो PWD वाले कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल है, जो 5% रिजर्वेशंस आपको PWD कैटेगरी के अंदर मिलती है। अब यहाँ पे मेन बात एक ये भी आती है कि जो ब्लाइंड, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है, डायबिटीज वाले स्टूडेंट्स भी होगी, जो चीज़ मेजर की जाती है उसका एक रेशियो होता है, आप सभी को जो PWD वाले कैंडिडेट्स होगो उनको इस चीज़ के बारे में पता होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेन पॉइंट था कि यहाँ पे इन चीज़ों को मेजर किया जाए, और जो 40% से अबव वाले जो PWD वाले कैंडिडेट्स है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये 5% सीट रिजर्वेशन जो है वो रखी जाती है हर एक कैटेगरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा जीमिन 2022, जो हमारा जो EWS क्वाटा है। अब ये एक मेन पॉइंट है और ये नई चीज़ है, वो ऐड की गई है काफ़ी, जैसे अगर हम बात करें कुछ ही सालों के अंदर, लास्ट ही कुछ सालों के अंदर इस चीज़ को ऐड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि EWS एक्चुअली होता क्या है। तो इसका मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। एक्चुअली क्या होता था कि जो जनरल वाले कैंडिडेट्स थे उनके लिए कोई भी सीट रिजर्वेशन से वो नहीं रखी जाती थी, लेकिन जनरल कैटेगरी के अंदर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मतलब वीकर थे, मतलब उनकी फैमिली इनकम वगैरह सब कुछ कम थी, तो उनके लिए यहाँ पे सीट्स को रिजर्वेशन से वो करने का एक डिसीजन वो लिया गया, और 21 जो हमारा संविधान संशोधन हुआ उसके अंदर इस चीज़ को लागू कर दिया गया। जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हो या फिर जितने भी हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी के अंदर यहाँ पे EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग से 10% सीट रिजर्वेशन से वो रखी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि जिनकी फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम हो, ठीक है, और उनके पास है जो उनका मतलब अगर उनके पास ज़मीन है तो वो कम से कम ज़्यादा 5 एकड़ से ज़्यादा ना हो, ठीक है, मतलब 5 एकड़ से ज़्यादा उनकी ज़मीन है वो ना हो, ठीक है। अगर उनका घर बना हुआ है तो वो 1000 स्क्वेयर फीट से ज़्यादा में अगर ना हो, ठीक है, अगर 1000 स्क्वेयर फुट से अगर उनका घर है वो मतलब जो उनका प्लॉट उनका है वो ज्यादा है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, उनका वो सर्टिफिकेट वो EWS कैटेगरी का नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट कोई है जिनके फैमिली का जो मतलब फ्लोट है वो 100 यार्ड में है, 100 फीट यार्ड के अंदर है, और अगर वो म्युनिसिपल पार्टी के अंदर आते हैं, मतलब वो उसके अंदर आते हैं, तो भी वो एलिजिबल इस चीज के लिए नहीं होंगे, ठीक है। तो मेन बात और सीधी बात तो यही है कि वो स्टूडेंट्स यहां पे एलिजिबल होंगे जो जिनकी फैमिली इनकम है वो 8 लाख से मतलब एक साल के अंदर 8 लाख से कम इनकम हो उनकी, ठीक है, और बाकी अगर उनका घर उनके पास घर है तो उनका जो घर है वो 1000 स्क्वेयर फुट से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। और इसी तरीके से और भी जो हमारा रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है वो EWS कैटेगरी के लिए अलग से रखा गया है, जो 10% सीट रिजर्वेशन वो EWS के लिए है। अब यहाँ पे आप सभी सोच रहे हो कि इन सभी के अंदर जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स रह जाते हैं उनके लिए क्या है, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी नॉर्मल जितनी भी सीट्स बच जाती है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए होती है, और जो जनरल EWS होता है ना वो अलग होता है। और यहां पे आप सभी को बता दूं कि EWS कैटेगरी के अंदर SC ST OBC NCL वाले स्टूडेंट्स है वो ये सर्टिफिकेट है वो नहीं बनवा सकते। ये वाला जो सर्टिफिकेट है OBC NCL वाला सर्टिफिकेट है, ये सिर्फ जो वही कैंडिडेट बना सकते हैं जो जनरल कैटेगरी के अंदर है। तो जो जनरल कैटेगरी के जो वाले स्टूडेंट्स है वही सिर्फ ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाकी मतलब EWS कैटेगरी के अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। तो हमारा रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंदर है और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहां पे आता है जेईई 2022 स्टेट यूनिवर्सिटीज, मतलब यहां पे कि अगर आप किस तरीके से एक्सप्लेन करूं, मैं आपको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मेनली बात यह होती है कि फॉर एग्जांपल मैं जैसे हरियाणा स्टेट में रह रहा हूं, ठीक है, और मैं किसी हरियाणा के ही कॉलेज के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहता हूं तो उसके लिए यहां पे अलग से सिस्टम से वो रखा जाता है। तो यहां पे दो चीज़ें होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल होती है यहां पे होम स्टेट्स और दूसरा होता है हमारा अदर स्टेट्स। होम स्टेट्स जैसे मैं अपने स्टेट्स में रह रहा हूं, उसी कॉलेज उसी स्टेट्स के अंदर मैंने अपनी क्लास 12th वो कंप्लीट की है और उसी कॉलेज के मतलब उसी के अंदर मैंने अपना जेईई मेंस का एग्जाम दिया और वहीं पे किसी कॉलेज के अंदर मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, तो मैं जो डिसाइड क्या होगा मेरा जो क्वालिफिकेशन होगी वो मेरी होम स्टेट के हिसाब से होगी। और अगर मैं हरियाणा का होके किसी दूसरे स्टेट्स जैसे अगर हम बात करें गुजरात की या फिर मध्य प्रदेश की, ठीक है, तो उनमें अगर मेरे को उन किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए और मैंने क्लास 12th वो अपनी हरियाणा से ही कंप्लीट की है, तो मैं
काउंट होगा अदर स्टेट्स के अंदर। अब जब आपकी जेईई 2022 की जब आपकी जो रैंक आएगी वो वहां पे आपका लिखा होगा कि आप होम स्टेट्स की आपकी रैंक ये है और अदर स्टेट्स की रैंक आपकी ये है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं होम स्टेट्स का हूँ, किसी होम स्टेट्स वाले कॉलेज के अंदर अगर जाता हूँ तो वहां पे मेरी ज्यादा प्रेफरेंस रहेगी और ज्यादा मेरे को चांस मिलेंगे कि वहां पे मेरे को एडमिशन से वो मिल जाए। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स अदर स्टेट्स वाले होंगे उनके मुकाबले मुझे ज्यादा वहां पे चांस रहेगा कि मैं वहां पे एडमिशन से वो ले सकूं, ठीक है। तो इसी के साथ यहां पे सीट रिजर्वेशन के बारे में मैंने आप सभी को पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन वो कर दिया है, ठीक है। और आई होप अगर आपका कोई भी इसके अलावा कोई डाउट है, फर्दर अगर आपका कोई डाउट्स रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बिलो आप मुझे कितने भी जो भी आपको डाउट्स लग रहे हैं वो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। उसी के साथ जो NRI वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए NRI ई-बुक्स प्रिपेयर्ड है और अगर वो डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोज़ की जितनी भी नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाए। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।